नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है और अब खबर विस्तार से। संत निमपुरी के स्वर्गवास को लेकर रविवार को चौटन मठ में आम शोक सभा का आयोजन हुआ। श्री डूंगरपुरी मठ चौटन के संत एवं महंत जगदीशपुरी के गुरु भाई निमपुरी के देवलोक गमन को लेकर शोक सभा रखी गई। रविवार को आयोजित शोक मिलन कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, चौटन विधायक पद्माराम मेघवाल, शिव विधायक अमीन खान, पूर्व विधायक तरुण राय कागा, तारातरा मठ के महंत प्रतापपुरी आयोजन में शरीक हुए। प्रियंका चौधरी, गुलाम शाह, हिंदू सिंह राठौड़, रूप सिंह राठौड़, मुकुंद सिंह राठौड़, स्वरूप सिंह राठौड़, उदय भानु सिंह सहित बाड़मेर जिले के सहित गुजरात क्षेत्र से साधु संत और गणमान्य लोगों ने इसमें शिरकत की। रविवार सवेरे महंत जगदीशपुरी के सानिध्य में आयोजित शोक मिलन कार्यक्रम में दिवंगत संत निमपुरी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इससे पूर्व शनिवार रात्रि को हुए भजन संध्या के आयोजन में जनप्रतिनिधियों ने मठ के साधु संतों को साफा और शॉल के माध्यम से रस्म अदायगी की। महंत जगदीशपुरी ने गुरु भाई संत निमपुरी के निधन को लेकर शोक जताया और कहा कि ये उनकी सेवाएं काफी सराहनीय थी। सभी वरिष्ठ जन पधारे लोगों से निवेदन है कि भोजन प्रसादी नदी के लिए कृपा करके भोजन प्रसादी लेकर ही पधारे। वशिष्ठ एवं पधारे सभी श्रद्धालु थोड़ा बहुत सलाह दिया कि भाई वैसे मैं तो के 30 दिन पूजन की रस्म हो जाती है और ये अपने साथ में रह रहे हैं के लिए 12 दिनों की रस्म आज बाप जी ने रखी। इस रस्म में आप बढ़ेगा, आप सबने हमको बुलाया, मान सम्मान दिया, आपके हम जबरदस्त आभारी हैं। बोलो डूंगरपुरी जी महाराज की जय हो, जगदीशपुरी जी महाराज की जय हो, पुरी जी महाराज की जय हो, पुरी जी महाराज की जय हो। समाज में व्याप्त त्रुटियों को मिटाने का जिम्मा संत होता है, यही श्रद्धांजलि सभा में अपने मुखर इनसे श्रद्धांजलि दी हमारे चौटन के विधायक पद्माराम जी युवान ने। मैं निवेदन करूंगा 50 मिनट